नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी चैनल। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे अंडर फोटोग्राफ राइट कैसे किया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से मैं एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जितने भी फोटो मैं एडिटिंग करता हूँ वो सारे फोटो मेरे फेसबुक पे अपलोड होते हैं। अगर मुझे फेसबुक पर आप फोटो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो या फ्रेंड भी बन सकते हो। ओके, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि ये फोटो कैसे एडिटिंग किया है इतना टोटल बारीक तरीके से। मैं स्टार्ट करता हूँ CS3 सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जो CC सॉफ्टवेयर है सभी के पास नहीं होता है, और उसके लिए PCB हाइस्ट चाहिए, i5 i7 ग्राफिक्स कार्ड, इतने सारे चीज़ लगती है। इसलिए मैं CS3 में आपको सिखाता हूँ ये वाला एपिसोड, अब पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं आपको ब्रिज में ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से। तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ऐसे प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए। फोटो रोटेट ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें रॉ प्रोसेसिंग हो जाती है, और प्रीव्यू करने के लिए या स्लाइड शो करने के लिए, ये सारा सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप का ही है, लेकिन आपको अलग से वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास ये ब्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल इसका आपको मैं ब्राइट करने का तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका बताता हूँ, लेकिन आपको ये इजी, एकदम इजी टेक्निक बताता हूँ। ये जो तस्वीर है 5200 निकॉन के कैमरे से खींचा है, 5.6 का अपर्चर है, 200 का शटर स्पीड है, और 200 का ही ISO है, और वाइट बैलेंस भी 8 है। मीटरिंग स्पॉट मीटरिंग है, मीटरिंग का कोई इशू नहीं बन पाता है, लेकिन एक्सपोजर देखने के लिए मुझे मैंने स्पॉट मीटर रखा था, क्योंकि सनलाइट पे ब्राइट धूप में फोटो खिंचाया था ये सारे फोटो। आप देख सकते हो कि कितने अंडर फोटो है थे। ठीक है, तो मैं इसको आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, एक ही झटके में आपको ये फोटो इतना ब्राइट हो जाएगा, और कुछ फोटो भी फ्लैट नहीं हो पाएगा, और कुछ उसके डिटेल भी नहीं चले जाएंगे और डिटेल भी आ जाएंगे। तो चलिए ओपन करते हैं पहले उसको। यहाँ पर सिंपल मैं डबल क्लिक किया तो ओपन हो जाएगा फोटोशॉप से। ठीक है, यहाँ पर जो लेयर है, ये लेयर आपको लाने का तरीका भी बताता हूँ मैं। शिफ्ट टैब दबाया तो ये सारे यहाँ पर साइड में आते, वो चले जाते। अगर यहाँ पर लाना है तो F7 प्रेस करिए, यहाँ पर आपको लेयर बॉक्स खुल जाएगा। अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर विंडोज में जाके भी आप लेयर बॉक्स देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे डुप्लीकेट लेयर करके लेना है। पहले सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर करके लीजिए। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेंडिंग ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको सिंपल स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद देखिए इमेज कितनी ब्राइट हो गई। सॉरी, मुझे फास्ट एडिटिंग करने की आदत है, तो मैं ज़्यादा फास्ट करता हूँ, आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए अभी इसमें हुआ क्या कि जो पीछे का बैकग्राउंड था वो भी ज्यादा ब्राइट हो गया, और जो सामने का जो अंडर एरिया था वो भी ज्यादा ब्राइट हो गया। इसमें क्या करना है कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड ज्यादा ब्राइट हो गया है उसको मुझे इरेज करना है, मतलब कि वो दिखाना है, उसका डिटेल दिखना है, और जो अंडर भाग है वही सिर्फ मुझे ब्राइट करना है। तो इसके लिए आपको मार्क्स देना पड़ेगा, मुझे मास्किंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मास्किंग का इस्तेमाल करने के बाद आपको इसका एक सिंपल तरीका बताऊं कि मास्किंग से होता क्या है। ये नीचे वाला लेयर मैं हटा देता हूँ, ये जो एक ही ये भी हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल ऐसे माउस से क्लिक करते हो तो ऐड लेयर मार्क्स, तो ये व्हाइट मार्क्स आ जाएगा, मतलब कि ये इमेज दिख रही है, हिडन नहीं है। हिडन करने के लिए आप Ctrl+I प्रेस करें। Ctrl+I प्रेस करते हैं तो वैसे ही ये इमेज हिडन हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर लेयर पर इमेजेस दिख रही है, और यहाँ पर ऊपर से ब्लैक एक पर्दा आ गया है उसके ऊपर जो फोटो को छुपाता है। वो देखने के लिए आप ऐसे ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रश B शॉर्टकट की, और जो ब्रश की साइज है वो बड़ी करने के बाद, यहाँ पर ऊपर ब्लैक है नीचे व्हाइट है, तो ये ऊपर नीचे करने के लिए मैं X बटन दबाता हूँ तो नीचे ब्लैक जाएगा ऊपर व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल ब्रश घुमाता हूँ, देखिए ब्राइट हो दिखाई दी, ये मास्किंग से हो जाता है।
कोई भी आप चीज मास्किंग से हिडन कर सकते हैं या दिखा भी सकते हैं। मतलब कि कोई चीज आपको कुछ देर के लिए छुपाना है तो आप मास्किंग का इस्तेमाल किया तो सही तरीका है ये। ठीक है, तो ऐसे होता है मास्किंग का। ठीक है, अभी ये वाला लेयर दिखाता हूँ। ओके, तो मास्किंग का इस्तेमाल क्यों करना के लिए आप ऐसा मास्क किया और कंट्रोल आई से हिडन किया, और जो अंडर एरिया है सिर्फ वही ब्राइट करना है। तो 70% ऑपेसिटी, 7 बटन कीबोर्ड से दबाया मैंने 7 का, और जो ब्रैकेट की है एंटर के ऊपर प्लस माइनस के नीचे, यहाँ से आप या राइट क्लिक करके भी आप ब्रश की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। देखिए अभी छोटी है बड़ी है, इसलिए मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ। ओके, जो अंडर एरिया है उसी के ऊपर सिर्फ ब्रश घुमाता हूँ, तो देखिए ब्राइट होने लगा। ओके, और भी यहां से आप उसके ऑपेसिटी कितना ब्राइट चाहिए उतने रख सकते हैं। 70 चाहिए तो 7 बटन प्रेस करो, एक्स बटन दबाया तो ये ऊपर नीचे हो जाता है ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक में क्या होता है हिडन हो जाता है और व्हाइट से ब्राइट हो जाता है। देखिए व्हाइट से ब्राइट होने लगा। ओके, और ब्लैक से फिर से दिखाई देने लगा। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा है ये मास्किंग का, और यहाँ से आप ब्राइट और भी कुछ, इसको फिर मैं फ्लैटन इमेज करके लेता हूँ। अगर मैं लेयर पे लेयर ज़्यादा रखूँगा तो मेरा ज़्यादा कुछ स्पीड नहीं चला पाता, लेकिन ज़्यादा अच्छा काम करने को मज़ा आ जाता है और स्पीड भी अच्छा मिल पाता है, इसलिए मैं फ्लैटन इमेज करके ही काम करूँगा। तो सिंपल से मैं स्पैच टूल लेता हूँ। स्पैच टूल लेने के बाद ये हटा के देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप सारे स्पॉट निकाल दीजिए स्पॉट हीलिंग टूल से। ऐसे साइड साइड में अगर मुझे यहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड करना है ब्राइटनेस, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा फ्रेश करके लेता हूँ पहले। F5 पर मैंने जो ऑलरेडी कुछ एक्शन बनाया है उसे से मैं सॉफ्ट क्लीन करके लेता हूँ उसको। तो आपको ये एक्शन कैसे क्रिएट करना है ये देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फोटोशॉप के रिलेटेड वीडियो बनाए। एक्शन कैसे क्रिएट करना है या कुछ बहुत सारे टेक्निक, इजी इजी टेक्निक मैंने सिखाया है। मेरे लगभग 26 था वीडियो है, 23-26 के आसपास। तो मेरे चैनल पे आप एक बार देखेंगे तो आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपको अच्छा फोटो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम लगेगा। अगर आप जल्दबाजी से फोटो करने को जाओगे तो फोटो फ्लैट भी हो सकता है और अच्छा भी नहीं बन पाता है। एक अच्छे इमेजेस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर आप धीरे धीरे ज़्यादा दिमाग लगा के काम करोगे तो ही आपकी इमेजेस अच्छी बन पाएगी, नहीं तो जल्दबाजी से कभी नहीं बन पाते। मैं हमेशा कह के आता हूँ, कह के आ रहा हूँ आपको दोस्तों। मुझे, मैं मराठी आदमी हूँ, ज़्यादा हिंदी बोलने में मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, तो गलत मत समझना। ठीक है, और थोड़ा सा लेवल और कलर बैलेंस, ओके। तो फिर से जाने के लिए मैं हिस्ट्री ओपन करके आपको मैं स्टार्टिंग का फोटो दिखाता हूँ। थोड़ा मैं भी देखता हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री है। ओके, और एक तरीका बताता हूँ मैं आपको सिंपल सा कटिंग करने का।
कटिंग तो ज़्यादातर तो लोग जो यूज़ करते हैं वो लॉस टूल है, लॉस टूल नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, यहाँ पर नीचे लिंक देता हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, लॉस टूल और कटिंग के लिए कौन सा टूल बेहतर है उसके ऊपर वीडियो है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। सीधा पेन टूल से कटिंग करता हूँ। पेन टूल से कटिंग करने के लिए आप पेन टूल का इस्तेमाल करो कटिंग करने के लिए, और ज़्यादा जूम करके कटिंग करो। अगर आपने जूम करके कटिंग नहीं किया तो होगा क्या कि जो कटिंग है वो ज़्यादा धार कोर दिखाई देती है उसके ऊपर, ठीक है। और कटिंग करने के लिए जो यहाँ पर जो व्हाइट दिखता है इसके एकदम अंदर से कटिंग करो, तभी तो आपकी कटिंग बराबर हो जाएगी। अगर आपकी कटिंग करने का हाथ फास्ट नहीं चलता है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन बाद में इजी जाएगा, क्योंकि जो आपको कंटिन्यू करना है वो पेन स्टोली करना है। थोड़ा सा शुरू में आपको भले टाइम लग सकता है लेकिन जैसे हाथ बैठेगा आपको आपको ये इजी लगेगा पेन स्टोल का इस्तेमाल करने के लिए। कुछ भी इसमें गलत हो गया तो भी आप पीछे जा सकते हो, ये छोड़ के दूसरा भी काम कर सकते हो, और जो कटिंग किया है वो जेपीजी में सेव भी कर सकते हो। अगर कोई आपकी कटिंग चली गई तो आप दोबारा भी इसे ओपन किया, फोटोशॉप चालू किया तो उसमें आप ये कटिंग पा सकते हो। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ वो कटिंग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये कटिंग हो गई तो इसको कंट्रोल यस करना है। कंट्रोल यस करने के कंट्रोल यस किया तो ये सेव हो जाती है। अगर मैं इसको क्लोज करके आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करने के लिए इसको कॉपी करके सेव करता हूँ, वन कॉपी, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कटिंग करके इसको सेव किया, क्लोज भी किया, ठीक है, फिर से ओपन किया, और ये जो इमेज है मैंने पहले काम किया था तो देखने के लिए मुझे यहाँ पर लेयर पे जाना है, F7, और पार्थ में जाना है। पार्थ में जाने के बाद ये वर्क पार्थ है यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी जो कटिंग की थी ये कटिंग ऑलरेडी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये कटिंग आने के लिए देखने के लिए आप शिफ्ट और कंट्रोल और ये एंटर दबाइए, ये कटिंग सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड लेके उसमें डाल सकते हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे जाके आप शेड में सॉरी सिलेक्ट इनवर्स करके लेता हूँ उसको, सिलेक्ट इनवर्स, और यहाँ से ऐसे बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड आ गए यहाँ पर, रिवर्स। और इससे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ज्यादा जो धार कोर है ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये छुपाने के लिए आपको इसको फेदर का इस्तेमाल करना है। जब फेदर का इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा ऐसे हार्ड कटिंग नहीं दिखाई देगी, आपको सॉफ्ट कटिंग दिखाई देगी, लगेगा भी नहीं कि बैकग्राउंड कैसे किया कट किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको किया है, देखिए अभी इसको लग भी नहीं रहा है कि कटिंग किया है। ये ज्यादा जूम करके देखोगे तो दिखाई देगी एकदम बारीक तरीके से। अगर ये वाली नीचे मैंने एकदम सीसी में कटिंग किया तो इसमें दिखाई भी नहीं देगी कटिंग कैसे किया है, ठीक है। इसीलिए आप एकदम छोटे तरीके से हल्के हाथ से आप एकदम नजदीक से, जितना नजदीक से कटिंग करोगे उतने आपको डिटेल में दिखाई देगी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक बैकग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। ये तरीका सही नहीं है, इसको डुप्लीकेट लेयर करके लीजिए। डुप्लीकेट लेयर ऊपर ले लिया कर और यहाँ पर पाथ में सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से, कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्ट इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और ये इसको फिदर देना है, फिदर देने के लिए आप सिलेक्शन टूल लीजिए और राइट क्लिक करके फिदर के ऑप्शन में जाना है।
फिदर के ऑप्शन में जाके आप एक का फिदर देखोगे तो एक आपको सॉफ्ट लाइन मिलेगी। अगर आप इसको जितना ज्यादा एचडी इमेजेस है उसके हिसाब से दीजिए, अगर मेरा ये 5200 की इमेजेस है तो मैं इसको 2 या 3 का फिदर का इस्तेमाल करता हूँ, तो और 6D का फोटो हो तो मैं 4 का फिदर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ज्यादा इमेज हार्ड होती है। तो सिंपल सा तरीका है, इसको डिलीट कर लीजिए। ये देखिए आप ऊपर की जो लेयर है, यहाँ पे कंट्रोल डी डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि जो कटिंग था वो प्रॉपर तरीके से हो गया। अभी अगर इसको फिदर जितना चाहिए उतना आप उतना दे सकते हो। कैसे देना है समझ में आ गया एक बार, कि फिर से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट लेयर के बाद पार्ट में जो कटिंग किया था वो सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई और लेयर, और सिंपल सा डिलीट किया तो ज्यादा ज्यादा हार्ड दिखाई देगी कटिंग, और इसे सॉफ्ट दिखने के लिए आप फिदर का इस्तेमाल करो। राइट क्लिक कर फिदर 2 या 3 का इस्तेमाल करो तो आपका सॉफ्ट बनेगा, और सिंपल सा डिलीट, ठीक है। कंट्रोल डी से डिसकनेक्ट होता है। और कोई भी एक बैकग्राउंड लीजिए, इसमें जो मैंने बैकग्राउंड यूज किया था वही बैकग्राउंड लेता हूं मैं, यहाँ पे जेपीजी शायद ये लिया था मैंने, ये लेता हूँ। ओके, ये बैकग्राउंड ले लिया मैंने, और ये जो यहाँ से आप मैक्सिमम करके साइड में लेयर करके आप इसको मूव टूल से यहाँ पर मूव भी कर सकते हो। इससे बेहतर तरीका एक है कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और ये लेयर सिलेक्ट करना है दूसरे वाला, और इसके ऊपर कंट्रोल वी करना है। सिंपल सा तरीका समझ में आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पर ओपन, और कंट्रोल टैब से नीचे ब्रैकेट की से लेयर, और इसे कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करने के बाद इसको ऐसा शिफ्ट दबा के लंबा करना है। शिफ्ट दबा के लंबा किया तो ही आपका राइट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाता है, ठीक है। और एंटर, ठीक है। अब क्या करना है, जो फोटो है, फोटो और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैच होना चाहिए, एकदम सेम कलर्स में लगना चाहिए। अगर आपका इमेजेस अलग कलर की दिख रही है, बैकग्राउंड अलग कलर का दिख रहा है, तो ये मैच नहीं होता है, अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसलिए कभी भी जब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों एक जगह पे देखना चाहिए, तभी तो एक बेस्ट इमेज नजर आती है या अच्छी दिखाई देती है। तो इसका भी मैं सेम कलर करके लेता हूँ, इसको मैच कलर करना है, एडजस्टमेंट और मैच कलर, और यहाँ पे न्यूट्रलाइजर पर क्लिक करना है। न्यूट्रलाइजर पर क्लिक किया तो ये जो बैकग्राउंड और दोनों का मैच कलर हो जाता है, ठीक है। ओके, अगर मुझे लगता है कि आपकी इमेजेस कभी अलग अलग कलर की हो तो ये अलग अलग भी डिफरेंस कलर दे देगा, इसलिए आपको कम ज्यादा करने के लिए फेड का इस्तेमाल करो, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो आप इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। ये अपना अपना पहला ओरिजिनल इमेजेस, और जितनी ज्यादा ऑपेसिटी चाहिए उतनी कर सकते हैं। मैं लगभग 60 पर रखता हूँ। ओके, और भी आपकी जो कटिंग है वो सही नहीं लग रही है तो आप फिर से एक बार, गलती से शायद फिदर देने का भूल गया था, तो मैं इसको कंट्रोल और ये इमेजेस ऐसे पकड़ना है तो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेयर की जो इमेजेस है वो पकड़ना है, डिस्कनेक्ट फिर से आपको करके दिखाता हूँ। डिस्कनेक्ट, यहाँ पर जो लेयर है ऊपर का, ये लेयर ऐसे पकड़ना है, और उसके पहले पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करके लेयर पकड़ना है, तो आपकी इमेजेस ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर से मैं इसको इनवर्स करके लेता हूँ, कंट्रोल आई सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्ट इनवर्स किया बाहर का भाग, और इसको मैं फिदर देता हूँ, 2 का फिदर और ये डिलीट। देखिए अभी 2 बार डिलीट किया तो ये मैच हो गया, ठीक है।
और भी एक बार मुझे ये लेयर ऊपर लेना है, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर, और इसको यहाँ ऊपर लेके यहाँ पर ब्रेंडिंग ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई पे भी सही नहीं आ रहा है क्योंकि ये आउटडोर का फोटो है, इसीलिए हर कलर अलग अलग टाइप से होता है, इसीलिए वो मैच नहीं हो पाया। मैं इसको सॉफ्ट लाइट या ओवर लाइट पे सही होगा, ओवर लाइट पे सही होगा, ठीक है। सॉफ्ट लाइट से, और हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट से ही सही हो गया, और इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके ज्यादा लुक आ जाएगा, ठीक है। और फिर से इसको मास्किंग देके मैं हिडन करता हूँ और सिर्फ कॉर्नर वाला भाग को इरेज करता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई पे ही सही दिख रहा है। ये सारा काम होने के बाद इसको फ्लैटन इमेज करके लेना है, फ्लैटन इमेज, और एक न्यू लेयर, ब्लैंक लेयर लेना है उसके ऊपर। यहाँ से ऐसे ऑप्शन पे ब्लैंक लेयर ले आया, ब्लैंक लेयर लेकर मैं उसको एक ऑप्शन देता हूँ यहाँ से, ये मुझे कलर चाहिए शायद, तो ओके। और यहाँ पर और लाइट, सॉफ्ट लाइट दिया तो ये देखिए मैच हो गया। और ये भी मुझे कितने कितना देना है मैं उस टाइप से दे दूंगा, और मुझे कलर्स भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से ऐसे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ओवर लाइट से ऑपेसिटी कम, और इसको जो हिडन है तो समझो मैंने कंट्रोल आई से हिडन किया, और फिर से ब्रश लेके इसको ऐसे इरेज किया, देखिए। ज़्यादा चेहरा लाल हो रहा है तो इसको मैं पीला कलर, लाल कलर को पीला कर देता हूँ। ओके, और सिंपल सा इसको एक पोर्ट्रेचर फिल्टर दिया, तो जो और भी सनलाइट का जो इफेक्ट देना चाहते हो फिल्टर देने के बाद, तो एक ब्लैंक लेयर लेकर मैं उसको और भी एक इफेक्ट दिखाता हूँ आपको देकर।
जैसे कि यहाँ पर व्हाइट लेता हूँ, ठीक है, जो सनलाइट होता है, तो व्हाइट और न्यू, ओके। यहाँ पर रेड डायल, रेड डायल से ऐसा स्पॉट आ जाएगा और इसकी ऑपेसिटी भी अब ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ से चाहिए या यहाँ पर चाहिए, ये वाला चाहिए समझो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट लाइट थी, ओके, और यहाँ पर और लाइट, और फिर से इसको मैं अल्ट्रा दबा के, मोस्ट टूल से अल्ट्रा दबा के यहाँ पर भी कॉपी कर सकता हूँ। ओके देखिए यहाँ पर डाल लाया, और फिर से यहाँ पर एक लाया, ओके, फिर से कंट्रोल जे और ये यहाँ पे लाता हूँ सर पर, ये दोनों की ऑपेसिटी मुझे कम चाहिए। ओके, और इसकी भी थोड़ी सी कम चाहिए तो मैं इतनी कम करता हूँ, ठीक है, ओके। और फ्लैटन इमेज, फाइनल मेरा इमेजेस बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी लंबा हो गया होगा और ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ गया होगा, तो प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए आप क्या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आ गया होगा, तो जरूर इसलिए इसके ऊपर एक लाइक बनता है और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। तो ऐसे आप लाइट इफेक्ट भी देख सकते हो, कटिंग भी बताया मैंने, लाइट इफेक्ट भी बताया और ब्लैक को वाइट करने का भी तरीका बताया।